मैं आपको सीधा निपुण सहगल के पास लिए चलता हूं। आज कोर्ट की का जो फैसला आया है उस पर डिटेल जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। निपुण पूरी जानकारी दीजिए, और साथ में एक प्रमुख बात यह भी जो अदालत ने टिप्पणी की, मौलिक अधिकारों से जोड़कर कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और चूंकि इससे पहले एक राजनेता का बयान दर्शक सुन रहे थे, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि 17 महीनों का हिसाब या इस तरह की बात कम से कम कोर्ट ने नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि प्रक्रिया ही दंड नहीं बन जानी चाहिए। दरअसल पीएमएलए की जो धारा है 45, वो बड़ी कड़ी शर्तें रखती है जमानत के लिए कि प्रथम दृष्टया यह दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है। कोर्ट उस पर नहीं गया, कोर्ट ने कहा कि हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर जाने का तो अर्थ होता कि फिर तो कोई मुकदमा बनता भी नहीं है। तो कोर्ट उस पर नहीं गया। कोर्ट ने यही कहा कि 17 महीने हो गए और जांच एजेंसी ने कहा था कि जांच जल्दी पूरी हो जाएगी, मुकदमा शुरू हो जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अहम है, तो हम धारा 45 की शर्तों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक अहमियत है, वो एक मौलिक अधिकार है, इसलिए 10-10 लाख रुपए के दो निजी मुचलकों पर, क्योंकि सीबीआई के केस हैं, उस पर जमानत दे दी जाए, निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करे, ताकि जो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस या इस तरह की आशंका जांच एजेंसी जता रही थी कि सबूत को नष्ट कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जो शर्तें तय करनी है निचली अदालत तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, हर सोमवार को जांच अधिकारी के पास रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एक अहम बात, अरविंद केजरीवाल को जब जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी, तब तब ये कहा कि वो दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। ऐसी ही शर्त ईडी चाहती थी कि मनीष सिसोदिया के लिए भी लगाई जाए कि वो दिल्ली सचिवालय ना जा सके। हालांकि आज की तारीख में सिसोदिया किसी आधिकारिक पद पर नहीं है केजरीवाल की तरह, लेकिन कोर्ट ने कहा हम ऐसी कोई शर्त नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अंतरिम नहीं, नियमित जमानत दी गई है। ऐसे में उनके ऊपर कोई भी नहीं है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते या कोई काम नहीं कर सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बता रहे हैं, ये नियमित जमानत है। दरअसल मैं अब निधि का भी रुख करना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया के घर से हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। निधि, वहां पर क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, जरा कुछ लोगों से बात करिए, अगर सिसोदिया के परिवार के लोग हो जरा उनसे भी बात करिए। अखिलेश देखिए, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, और चूंकि यहाँ पर आतिशी का ऑफिस है, अंदर उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया ज़रूर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे कर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया के भाई पहुँचे हैं, अभी उनके दोस्त सुरेंद्र से बात हुई, जिन्होंने कहा कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में हम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहेंगे, वकील का धन्यवाद देना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुँचे हैं, संभव है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और संजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे, हालाँकि इसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन ये आप घर देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले सीमा सिसोदिया जो है वो बाहर थोड़ी देर के लिए निकली थी, लेकिन फिर अंदर चली गई हैं, और ये बड़ी खुशी आम आदमी पार्टी के लिए 17 महीने बाद। पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया, और ऐसे में आज जब वो बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है खुशी और कार्यकर्ताओं में जश्न भी देखने को मिलेगा। केक्स अंदर पहुंच रहे हैं, जो मैंने देखा है गाड़ियों में केक जो है वो अंदर पहुंचे हैं, और जश्न की तस्वीरें थोड़ी देर में आएंगी। अखिलेश निधि, मैं लौटूंगा आपके पास, वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी आप बताइएगा, दर्शकों को हम दिखा देंगे। केक वगैरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से आप निधि श्री को देख रहे थे, और मेरे साथ दीपक रावत भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। निपुण कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा पहले जान लेते हैं। निपुण जी बोलिए, फोन कट गया है। निपुण आपसे के पास में आऊंगा, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जानेंगे आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है। लेकिन दीपक, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से क्या सूचना, क्या जानकारी, और किस तरीके से मनीष सिसोदिया की इस रिहाई को देख रही है पार्टी? निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इंकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया, और ये कहा गई जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से दो चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशंस मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ, बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे?
अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस वी विल ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे इटसेल्फ। सर सर व्हाट हैपेंड इन सिसोदिया मैटर टुडे सर? सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे पास्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट। इट इज हिस्टोरिक इन सो मेनी का काम किया गया है कि इस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है, कोर्ट ने खाली जमानत दी है। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि संजय सिंह के बाद अब जो सिसोदिया को बेल मिली है, तो जमानत मिली है उस पर, वो कह रहे हैं कि इससे प्रूव होता है कि हम लोग हमेशा से सही थे। कैसे प्रूव होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूव कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत है और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता, केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है, तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। तो बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी कह रही है कि इसे जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी ना रखे, वो बरी नहीं हो गए हैं, सिर्फ उन्हें जमानत मिली है।